बुलाया है, की शुरुआत हम माता रानी के दर्शनीय गेट से कर रहे हैं। जी हाँ, ये है यात्रा का मेन पड़ाव जहाँ से हम अपनी 13.5 किलोमीटर की लंबी यात्रा स्टार्ट करते हैं माता रानी के भवन के लिए। आप सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़कर घर बैठकर नमन करिए। जी हाँ, ये वो भव्य द्वार है जहाँ से भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और यहीं श्रद्धालु अपनी यात्रा को समाप्त भी करते हैं। यहीं पर आपकी RFID कार्ड चेक भी होती है। स्वागत है और मेरा नाम है शिखा और आप देख रहे हैं इस समय एक्सप्लोर माई ड्रीम्स 2.9। आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आप देखिए इस वक्त काफ़ी बारिश हो रही है। इस समय आप देख रहे हैं आगे यात्रा मार्ग का दर्शन कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं इस समय बाणगंगा। कहते हैं बाणगंगा वही पवित्र स्थल है जहाँ पर हनुमान जी के आग्रह करने पर माता रानी जी ने बाण छोड़े थे और गंगा माँ की धारा प्रकट की थी ताकि हनुमान जी की गंगा जल पीकर उन्हें अपने प्यास बुझा सके। और एक मान्यता यह भी है कि माता रानी जी ने यहाँ पे केस हुए थे यानी बाल भी धोए थे, तो इसीलिए बाल गंगा भी कहते हैं और बाणगंगा भी कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके मुंडन भी करते हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यता है। तो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यात्रा मार्ग पर कितनी बारिश होने के कारण थोड़ी यात्रा बाधित भी हो रही है और इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक भक्त बोलते हैं ना अपनी अपनी मनोकामना जो रहती है, तो ये दंडवत यात्रा करते पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम चरण पादुका मंदिर के पास और माँ भगवती का दर्शन करिए यहाँ पे माँ चरण पादुका। जी हाँ, माँ चरण पादुका वही मंदिर जहाँ पे माता रानी जी ने यहाँ पे मुड़ के देखे थे कि भैरवनाथ आ रहे हैं कि नहीं, यहीं पे रुकने के कारण माता रानी के यहाँ पे चरण चिन्ह बन गए थे। तो अंदर जाके आप माँ वैष्णो देवी जी के चरण चिन्ह का दर्शन जरूर करिए क्योंकि इस स्थान पे माथा टेकने से माँ शक्ति के 9 रूप का दर्शन होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो चरण पादुका से अर्धकुमारी का डिस्टेंस आपको 3.5 किलोमीटर हो जाता है। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। ये है बैटरी कार की, आप सुबह 6 बजे यहाँ के लाइन लग दीजिए नहीं तो काफ़ी लंबी भीड़ हो जाती है। ऑफलाइन टिकट लेना है तो ऑनलाइन टिकट तो आपको मिल ही नहीं रहा है। ऑनलाइन टिकट 2 से 3 महीने तक आपको काफ़ी वेटिंग देखने को मिल रही है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि यात्रा मार्ग पे कभी कुहासा देखने को मिल रहा है, कभी काफ़ी बारिश देखने को मिल जा रही है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं इस समय अर्धकुमारी के पास में। अर्धकुमारी का भी आपको नज़ारा उसी तरह से देखने को मिलेगा, वहाँ भी काफ़ी बारिश आपको देखने को मिल रही है। और देखिए इस समय यात्रा मार्ग पे अभी थोड़ी बारिश रुक चुकी है तो आपको थोड़ा सा रश कम दिखने को मिल रहा है क्योंकि काफ़ी यात्री अर्धकुमारी में जाके छिपे हुए हैं। तो हम पहुँच चुके हैं इस समय अर्धकुमारी रानी के पावन द्वार अर्धकुमारी में। इस समय आप देख रहे हैं गर्जन गुफा में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार थोड़ी देर पहले बहुत बादल थी और काफ़ी बारिश हो रही है। बहुत सारे श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए थे माता रानी के गर्भजुड़ा के अंदर दर्शन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है आपको और काफ़ी श्रद्धालु इधर उधर बारिश से बचने के चलते इधर उधर घुसे हुए हैं। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा इस वक्त शक्ति भवन, यहाँ पर भी आप डॉर्मेट्री की व्यवस्था ले सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था कि डॉर्मेट्री अर्धकुमारी पे कहाँ मिल जाएगा। तो ऊपर में आपको शक्ति भवन है और आप यहाँ बुकिंग कराना आपको नहीं मिल सकता है, आप नीचे निहारिका भवन में ही आप इसकी बुकिंग करा लीजिए। तो चलिए यात्रा मार्ग में आगे हम चलते हैं। हम बता दें कि आप भक्तों को बताना चाहती हूँ कि आप अगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो इस वक्त मौसम काफ़ी बदल चुका है। जानकारी के मुताबिक मैं बता दूँ, मौसम विभाग का मानना है कि अभी काफ़ी बारिश होने वाली है, काफ़ी ठंड भी पड़ जाएगी क्योंकि कभी कभी बारिश इतने देखने को मिल जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कब मौसम गर्मी हो जाती है और कब बारिश हो जाती है। और अभी तो बारिश का मौसम अब आने वाला है। आप देख रहे हैं यात्रा मार्ग पर चारों तरफ कुहासा आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अगर अपने छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो साथ में गर्म कपड़े और रेनकोट तो ज़रूर रख लें और एक छाता ज़रूर कैरी कर लें क्योंकि जब आप दर्शन करने भवन पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बारिश देखने को मिलती है। कहीं यात्रा मार्ग पर आपको बारिश देखने को मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप आएँ तो अपनी सुरक्षा अपने साथ ले कर आएँ क्योंकि ऊपर काफ़ी रश भी हो जा रहा है, छुट्टी के दिन अभी चल रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप यात्रा पे आ रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यानपूर्वक रखिए। आपको
हर जगह आपको घोड़े पिट्ठू पालकी की व्यवस्था मिल जा रही है, लेकिन हाँ भवन पे आपको भीड़ आपको काफी देखने, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस यहाँ पे दुर्गा भवन में लॉकर की व्यवस्था भी दी गई है। देखिए आपको ये जो छोटी छोटी सी जो बनी हुई है ना लॉकर है, काफी लंबे आकार में ये दुर्गा भवन फैला हुआ है और अंदर एकदम क्लीन आपको मिलेगा, लेकिन क्लीन रखने की जिम्मेवारी आपकी होती है। आप जितना क्लीन रखोगे आपके लिए अच्छी है। डॉर्मेटरी की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, यहाँ पर रूम है, फैसिलिटीज सारी मिलेगी, लाइट मिलेगी, चार्जिंग पॉइंट सब मिल जाएगा। ये दुर्गा भवन में देखिए यहाँ पर पूरा चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है। चादर लाइए, बिछाइए, सो जाइए और ये लॉकर में अपना सामान रखिए। ताला जरूर लेके आइएगा, ताला लगाने में आपको व्यवस्था रहेगी। आप आराम से इसमें अपनी कीमती सामान रख के सो सकते हैं, निश्चिंत होकर आराम से यहाँ पर सो सकते हैं, फोन को चार्ज कर सकते हैं। हर तरह की व्यवस्था दी गई है, ये डॉर्मेट्री की व्यवस्था दी गई है। इसकी बुकिंग आपको काउंटर पे मिल जाएगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होगी हम आपको जानकारी दे देंगे। यहाँ पे ब्लैंकेट स्टोर मिल जाएगा आपको, लेकिन ब्लैंकेट स्टोर के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। ये वॉशरूम आपको अच्छा मिल जाएगा, वॉशरूम एकदम क्लीन मिलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाते हैं कितने लंबे आकार में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉशरूम है, सभी को व्यवस्था दी गई है, एक एक छोटी चीज की व्यवस्था दी गई है कि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए काफी लंबे आकार में 5 मंजिला ये बना हुआ है दुर्गा भवन, इसमें आराम से आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि और काफी गर्म भी रहता है ये दुर्गा भवन, क्योंकि ये काफी लंबे आकार में फैला हुआ है, 5 फ्लोर बना हुआ है आपको, और 4th फ्लोर में आपको कॉरिडोर का रास्ता मिल जाएगा आपको वहाँ पे तृप्ति भोजनालय जाने के लिए। मतलब ये 4th फ्लोर पे है और ये नीचे का कॉरिडोर का रास्ता है। नीचे आपको इस तरह से देखिए, यहाँ पे अभी बिछा के सब चादर बिछा के कम्बल बिछा के आराम से इस पे रह रहे हैं। और यहाँ पे ब्लैंकेट स्टोर है, जो कि आपको सिक्योरिटी के तौर पर एक ब्लैंकेट के हिसाब से 100 रुपीज़ का चार्ज करते हैं, और वो रिसीट आपको रखना होगा। जब आप रिसीट आपको इसको रिटर्न करोगे साथ में कम्बल दोगे तो आपको वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा। पर कम्बल 100 रुपीज़ के चार्ज से ये करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी लेते हैं। आपको निःशुल्क व्यवस्था मिलती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना ब्लैंकेट लेके चले जाएंगे, तो इसीलिए सिक्योरिटी के तौर पर ब्लैंकेट रखा जाता है। देखिए कितने लंबे चौड़े आकार में दुर्गा भवन का निर्माण हुआ है, आप आराम से रह सकते हो। और बात कर ले रूम की, तो देखिए ये काफ़ी खूबसूरत रूम बना हुआ है ऊपर में। इसकी चार्जेस आप मुझे अभी पता चली है 1375 रुपये के हिसाब से है, लेकिन आप वहाँ पे जाके काउंटर पे पता कर लीजिएगा क्या रेट है। हम जानते हैं 1375, देखिए काफ़ी अच्छा है, इनफ है 2 जन के लिए रुकने के लिए, और आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। देखिए कितने लंबे चौड़े आकार में, सामने तृप्ति भोजनालय आपको दिख रहा है। ये तृप्ति भोजनालय एकदम दुर्गा भवन के पास में ही आपको मिलेगा, एकदम कॉरिडोर के पास में सटा हुआ है। क्या खास है इस तृप्ति भोजनालय में, चलिए बात कर लेते हैं। तृप्ति भोजनालय में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे UP